नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बोचहा उपचुनाव के नतीजे बस कुछ ही देर में आने वाले हैं, लेकिन 16वें राउंड के काउंटिंग के बाद भी राजद के अमर पासवान सबसे आगे चल रहे हैं, पहले नंबर पर चल रहे हैं और वोटों का फासला कुछ सौ कुछ हजार का नहीं है बल्कि 22,000 से ज्यादा मतों के अंतर से राजद के अमर पासवान जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं। बीजेपी को उन्होंने हर राउंड में पीछे कर रखा है, पछाड़ के है। वीआईपी की डॉक्टर गीता देवी तीसरे नंबर पर लगातार बनी हुई है, लेकिन बड़ी बात यह कि राजद ने अपनी जगह टस से मस होने नहीं दी है। लगातार पहले नंबर पर राजद बनी हुई है, राजद के अमर पासवान बने हुए हैं। 16वें राउंड की काउंटिंग जो है वो समाप्त हो गई है। आपको बता दें कि इसमें अमर पासवान जो है वो 53,405 वोट लेकर आए हैं। दूसरे नंबर पर अभी भी बीजेपी की बेबी कुमारी जो है वो बनी हुई है, उनको 30,541 मत आए हैं। वहीं बात करें तीसरे स्थान की, 16वें राउंड के काउंटिंग के बाद वीआईपी की डॉक्टर गीता देवी तीसरे नंबर पर बनी हुई है, इनको 16,998 वोट आए हैं, यानी कि राजद के अमर पासवान 22,864 वोटों के साथ पहले नंबर पर चल रहे हैं। इनके अंतर जो है वो 22,864 वोटों का अंतर है। अमर पासवान लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 16 राउंड की जो काउंटिंग है वो बोचहा में समाप्त हो गई है। आपको बता दें कि इस बार बोचहा में जो उपचुनाव हुआ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ। नाक की लड़ाई जो है वो साबित हो गई, काफ़ी उठापटक भी हुई। लोग इस पार्टी से उस पार्टी में गए। पहले मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान वीआईपी को छोड़कर आरजेडी में गए। आरजेडी से काफ़ी उम्मीदें थी रमई राम को, वो चाहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर गीता देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी ने पहले ही अमर पासवान को अपना प्रत्याशी बना लिया था। तो गीता देवी जो है वो वीआईपी के खेमे में आ गई और बेबी कुमारी को बीजेपी का समर्थन मिल गया, बीजेपी ने टिकट दे दिया। लेकिन बेबी कुमारी लगातार दूसरे नंबर पर ही बनी हुई है। 16वें राउंड के काउंटिंग के बाद 30,541 वोट लेकर आई है। और बात करें डॉक्टर गीता देवी की, तो गीता देवी वीआईपी की प्रत्याशी है, 16,998 वोट लेकर आई है, करीब करीब 17,000 मत। लेकिन आरजेडी के अमर पासवान 22,864 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर 53,405 वोट 16वें राउंड की काउंटिंग के बाद अमर पासवान के खाते में अब तक पड़ी है। देखना होगा कि और कितने देर में नतीजा निकल कर आता है, क्योंकि स्थिति जो है वो काफ़ी स्पष्ट हो गई है कि अमर पासवान ही वहां से जीतने वाले हैं, क्योंकि मतों का जो अंतर है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन ये चुनाव है, चुनाव के नतीजे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अंतिम राउंड के काउंटिंग का इंतज़ार कीजिए और जो फैसला निकल कर आएगा वो देखा जाएगा कि क्या होता है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।